गाइस 20 क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में, आज मैं आपको 5 मिनट में 20 क्वेश्चन खत्म कर दूं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। हाल ही में किसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रजेंद्र पाल सिंह। मैं केवल ऑप्शन सही से ही बताऊंगा जिससे 5 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 42, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं और उनका नाम है अशोक गहलोत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 के रूप में चुना गया। अब बताओ टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 के रूप में जिसे चुना गया है, तो अभी 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नहीं चुना गया होगा, तो यही करंट अफेयर में क्वेश्चन तो आएगा ना। तो आप लोग पता नहीं क्यों ये चाहते हो कि मैं केवल जनवरी के और दिसंबर के क्वेश्चन ही आपसे पूछूं, आपको बताऊं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और यही पूछे जाएंगे आप। चलिए स्टार्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 43, और इसका जो सही जवाब है वो है जमाल खाशोगी। हाल ही में जिसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 में चुना गया वो है जमाल खाशोगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, कौन व्यक्ति हाल ही में लगातार दूसरी बार तेलंगाना की मुख्यमंत्री बने, बताइए। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है कि कौन व्यक्ति हाल ही में लगातार दूसरी बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं, उसका सही जवाब है चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, आपको अगर इनके आंसर आता है तो जरूर कमेंट में दीजिए। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए, बताइए। आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं, क्या ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, और इसका जो सही आंसर है वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2018 खिताब जीता, बताओ। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 46, और इसका जो सही जवाब है वो वेनेसा पोन्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाने की घोषणा हुई है, जिसकी कुल ऊंचाई होगी वो होगी 141 मीटर, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 48, 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा वीडियो। किस भारतीय शहर में हाल ही में टिकाऊ जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, 48, और वो है ऑप्शन नंबर बी मोहाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, और क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही जवाब है वो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 जारी किया है, जिसने हाल ही में जर्मन वॉच ने जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 जारी किया है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला, बताइए। भारत को कौन सा स्थान मिला है, क्वेश्चन नंबर 50, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 14। इसके बाद है 51, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और टाइम हुआ अभी 2 मिनट में और 10 कंप्लीट करने हैं। फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें किसे शीर्ष स्थान मिला, और इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 51 वो है एंजेला मर्केल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में साहित्य अकादमी ने वर्ष 2018 के पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की, जिसमें किसे हिंदी पुरस्कार दिया गया, क्वेश्चन नंबर 52, और जो सही जवाब वो है चित्रा मगदल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में 5 दिसंबर 2018 को विश्व मृदा दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 से, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत ने हाल ही में, एक तो जल्दी की वजह से गलत हो रहा है फालतू में, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुद्रा अदला बदली समझौता किया है, और वो देश है UAE। नेक्स्ट है 55, किस भारतीय ने 5 दिसंबर 2018 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की, बताइए। करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, उसका सही जवाब है गौतम गंभीर। क्वेश्चन नंबर 56, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 56, और ये हैं AN झा। नेक्स्ट है 57, हाल ही में किस भारतीय को निशानेबाजी के सर्वोच्च सम्मान द ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया है,
और उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। 58, हाल ही में भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीकरण हेतु एक पोर्टल आरंभ हुआ जो है, बताइए। करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो है डिजिटल इकाई, सॉरी डिजिटल स्काई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2022 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और इसका जो सही जवाब है वो है भारत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 30 लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 28 लाख किसानों को मुफ्त में मोबाइल फ़ोन देने की घोषणा की है, वो राज्य का नाम है झारखंड। मैं सोचा आज वीडियो बड़ी नहीं करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पांस आता है आप लोगों का। मैंने 5 से 6 मिनट में वीडियो ख़त्म कर दी है, अब आप मुझे बताइए वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में, क्या इसी तरीके से मुझे बताना चाहिए, फिर थोड़ा डिटेल में या अच्छे से आराम से बताना चाहिए सारे ऑप्शन पढ़ के। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।